और पापू जी करे जब भैया जी हैं भैया भाभी बाबा बाबा चुप हो पापू पापू जी करवा दिए तीसरी पापू जी करवा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शादी ब्लॉग के पांचवे पार्ट में। और ये है शादी वाले दिन की सुबह का रस्म, जो कि यहाँ पे पितरों को न्योता दिया जा रहा है और उसके बाद कुमरपत भात की हो रही है तैयारी, जो कि लगभग सभी के ही घर में ये नियम होता है। तो यहाँ पे मेरी ननद लोग बना रही है लड़के के खाने की के लिए चावल और बड़ा, जो कि हम लोगों ने दाल को धरा था पहले भी आप लोगों ने देखा, उससे आज यहाँ पे बड़ा तैयार किया जा रहा। तो यहाँ पे ननद बनाएगी और उसके बाद लड़का पांच कुंवारे लड़के के साथ खाएगा। और उसके बाद यहाँ पे और भी रस्म चल रहा है, जो कि यहाँ पे पांच शादीशुदा लेडीज को खोइछा देने का। मेरी जेठानी नियम सीख रही है बैठ के। सिस्टम से चलिए नहीं लोग ना, लावा को एकदम बनाइए। सब समय पुराना सबसे पुराना पड़ेगा, आदमी रस्म में रहता है। तो अभी यहाँ पे सभी भाभी फिर से हंसी मजाक करके लगा रहे हैं हल्दी, और ये लास्ट हल्दी है। इसके बाद यहाँ पे कुमरपत भात खिलाया जाएगा, पर मैं वहाँ नहीं थी, मैं चली आई थी मेहंदी लगाने, क्योंकि मेरा मेहंदी लगना बाकी रह गया था और मेहंदी का कोई शूट भी नहीं हो पाया, कोई भी शूट नहीं हो पाया, क्योंकि उस दिन मेहंदी वाले दिन हम लोगों का पूजा था, यानी कि गणेश चौथ था। तो मैं चली आई थी घर पूजा करने के लिए और हम लोग वहाँ नहीं थे, तो ना ही डांस और ना ही मेहंदी कुछ शूट नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट दिन हम लोगों ने मेहंदी रचाया है और आज ही शादी है। तो अब इसके बाद जो रस्म होगा वहाँ पे कुमरपत भात खाने का रस्म हुआ, बट वो मैं नहीं ले पाई हूँ। ये थोड़ा सा क्लिप मुझे मिला उसके बाद वाला, जो भात खाने के बाद बचता है उसे जो मतलब मिट्टी में डाला जाता है, वो यहाँ पे करने के लिए शायद गई थी, मैं नहीं थी वहाँ पे। और इसके बाद मेहंदी लगाने के बाद मैं गई थी नहावन विधि के लिए, तो वो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है, बट मतलब बहुत ही क्लिप मेरा छूटा, क्योंकि घर से नहीं हो रहा था, घर और वहाँ जाना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था, आना जाना करना पड़ रहा था, जिस वजह से हर क्लिप को शूट नहीं कर पाए। यहाँ पे अभी सब कोई ही बिजी है, कोई रेडी होने चले गए हैं, कोई खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद रेडी होंगे। तो मैं भी अब रेडी होने जाऊँगी, बस नहावन की विधि हो जाएगी, उसके बाद हम लोग भी रेडी होने के लिए जाएंगे। तो अभी यहाँ पे सभी मिलके उतार रहे हैं नज़र दूल्हे का, और इसके बाद सभी जाएंगे रेडी होने, दूल्हा भी रेडी होगा और हम लोग भी सभी रेडी होंगे। बट मुझे रेडी होने में बहुत लेट हो चुका था, जिस वजह से बारात निकल चुकी थी। हेलो एवरीवन, तो
और बारात पहुंच चुकी है। यहाँ पे दूल्हे राजा की एंट्री होने की बारी है और इस टाइम में बहुत ही जोरदार डांस हुआ था। लड़की वाले लड़के वाले सभी मिलकर नाच रहे थे। फ्रेंड्स अब यहाँ पे चल रहा है द्वार पूजाई का रस्म और इसके आगे का पूरा क्लिप आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट